सरोकार। राहुल गांधी के समर्थन में बोले लखमार, राहुल की छवि को आहत करने का हो रहा प्रयास। बस्तर में नगर निगम में भारी हंगामे के बीच बजट पेश, विपक्ष ने जमकर किया प्रदर्शन। जगदलपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने की प्रेस वार्ता, मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कबीरधाम में कुर्सी के लिए विधायक और क्रेडा सदस्य आपस में भिड़े, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कोंडागांव में नक्सलियों का हमला जारी, मोबाइल टावर को बनाया निशाना। जगदलपुर में नगर निगम में सामान्य सभा से पहले ही पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और विपक्ष दल के पार्षदों ने सभा में हंगामा कर निगम कार्यालय के बाहर आकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस बीच नगर निगम की महापौर सफीरा साहू ने विपक्ष दल के पार्षदों की अनुपस्थिति में ही नगर निगम का बजट पेश कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष दल के पार्षदों ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत कर ज्ञापन देने की बात कही है। जनता की आवाज ये सदन के अंदर घोट सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर रोडों पर वार्डों में जाकर हम जनता को बताएंगे क्या हो रहा है और किस प्रकार की दादागिरी हो रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट, पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार का भ्रष्टाचार भी पोल खोलते रहेंगे। जब भी अवसर मिलेगा हम फिर से सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने पर छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने महासमुंद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार लगातार लोगों को टॉर्चर कर रही है, संसद में बोलने पर माइक बंद कर देते हैं, अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बोला तो ऐसा बर्ताव करते हैं कि वो देशद्रोही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी निम्न स्तर की राजनीति आज तक नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जो लोग देश के लिए लड़े, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, उनके बदसचों को आप टारगेट कर रहे हैं। राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी, आनन फानन में उनका घर भी खाली कराने के लिए आदेश कितने लोगों का कराया है। बदले की राजनीति, आप मोदी जी या कोई भी मंत्री हो, हम लोग शपथ लेते हैं जीत करके कि हम निजी स्वार्थ, कटुता, द्वेष, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हम सबको निष्पक्षता के साथ हम काम करेंगे, लेकिन ये उल्टा कर रहे हैं। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां अघोरियों ने शिवजी की बारात निकाली और बनारस के अघोरी बाबा ने कहा कि शिव से मिलन और उनमें समा जाने की प्रतिबद्धता ही अघोर पंथ है। अघोर पंथ में मोह माया का कोई स्थान नहीं होता, शमशान में रहकर साधना शव भक्षण करने वाला ही यथार्थ में अघोरी कहलाता है। अघोर मुख्य वही होते हैं जो शव को खाते हैं। इधर देखिए, अघोर वही होते हैं जो शव को खाते हैं, जो भस्म को अपने तन पे लगाते हैं, उनको एक अलग खुशियां मिलती हैं। वही एक अघोर पंथ है। अघोर पंथ की बोले ना कि एक अलग दुनिया होती है, शिव से मिलने की शक्ति होती है। वही असली अघोरी होता है जो शिव की आराधना में लीन रहता है, शिव से मिलना चाहता है। अगर शिव से मिलना हो तो अघोर बनना पड़ेगा। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रेस वार्ता की और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी पार्टी की आवाज उठाना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। साथ ही उन्होंने अडानी और मोदी के गठबंधन पर भी सवाल उठाया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करना एक षड्यंत्र के तहत बताया।
बस्तर के समस्त कांग्रेसी और वरिष्ठ कांग्रेसी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी को फंसाने और उनकी छवि को आहत करने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है कि जो अदानी भारत के करोड़पतियों की सूची में आता था, वह भाजपा के सरकार केंद्र में आने के बाद अब विश्व में दूसरे खरबपति के पायदान पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्रीय सरकार हाथ धोकर राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है ताकि उन्हें नीचा दिखाया जा सके और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और सामान्य जन राहुल गांधी को अपना पारिवारिक सदस्य मानती है और उनके भारत यात्रा में सभी प्रांत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सरकार के व्यक्ति एक राजनीति में हैं और अन्याय के खिलाफ में अक्सर लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे परिवार के यहाँ पर त्याग तपस्या बलिदान वाला परिवार है, उस परिवार के साथ एक षड्यंत्र रचकर एक छोटा छोटा मामले में लेकर अयोग्य घोषित करना सांसद सदस्य से एक दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजनीति के लिए या देश के लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है और इस के कारण से पूरे देश, युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग के लोग हो चाहे महिला हो, हर वर्ग आक्रोशित में है और इसका परिणाम आने वाला समय में जो भी वर्तमान सरकार यहाँ पर देश में राज कर रहे उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी लोकसभा में बोलता है, राज्यसभा में हमारा प्रतिपक्ष नेता खड़गे साहब हमारा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है, दो लोग बोलता, उसके बाद उनको कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, बदनाम किया जाता है, राहुल गांधी देश के लिए गलत बोला है। अगर अडानी को भ्रष्ट नहीं बोलेंगे, जिस पर सरकार को भ्रष्ट नहीं बोलेंगे उसका बोलेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर में पहली बार रामनवमी पर अघोरियों ने शिव की बारात निकाली। तो वही रामनवमी के पावन अवसर पर बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर का माहौल भक्तिमय रहा। वहीं शोभा यात्रा में पूरा इलाका भगवा रंग से डूबा नजर आया और जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। और इन्होंने परसों रात को वहाँ से निकले थे अपनी स्वयं की गाड़ी से और बस्तर के इस रामनवमी के उत्सव के लिए स्पेशल आए हैं ये। और मेरे ख्याल से बस्तर संभाग में अपने आप का अनूठा आयोजन होगा जो कि संस्कृति से हमारे पुराने जो रीति रिवाज है उनसे जोड़ता है, एक सेतु का काम करेगा अपने धर्म जागरण के लिए ये काम। और मुझे लगता है कि ये बस्तर वालों को देखने में बहुत मज़ा भी आएगा, आनंद लेंगे और धर्म जागरण का काम भी करेगा ये। से लेकर आज रामनवमी तक राम दरबार का आयोजन किया गया। आज विशेषकर जो शोभा यात्रा है उसमें बनारस से अघोरी बाबा की टीम आई है जो अपने विभिन्न जो प्रदर्शन है वो सनातन धर्म जो सनातनी है उनके सामने रखने वाले हैं। मैं बनारस की धरती से आई हूँ जो कि यहाँ पे मसान की होली खेलने और बाकी भी जो पब्लिक लोग हैं उनको भी खिलाने आई हूँ, जो कि यहाँ पे होली जिस प्रकार की होने वाली है, जो बनारस में हम लोग मस्तान की होली खेलते हैं, बस वही यहाँ पे भी दिखाने आए। अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि कबीरधाम के सिटी कोतवाली से 1 किलोमीटर दूर पर धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री जारी है, जिसके बावजूद जिम्मेदार विभाग नींद में दिखाई पड़ रहा है। बता दें कि सिटी कोतवाली के महज थोड़ी सी ही दूरी पर 100-100 रुपए में देसी शराब की अवैध बिक्री कई महीनों से चल रही है। वहीं सिटी कोतवाली इन अवैध शराब बार को अंजाम देने वालों पर नकेल कसने में लगातार नाकाम दिखाई पड़ रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं विभाग के सह पर ही ये अवैध शराब के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि कई समय से ये अवैध शराब का तस्कर चल रही है और पुलिस इस पर नकेल कसने पर लापरवाही करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें बहुत समय से ये शराब का कारोबार चल रहा है लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
पुलिस की नाक के नीचे शराब का कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, और जो शराब तस्कर हैं वो बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है ये शराब का कारोबार। 100-100 रुपए में जो शराब तस्कर हैं वो शराब बेच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिरेंद्र जुड़ चुके हैं। तो हिरेंद्र, ये काफी समय से शराब तस्करी का मामला है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नाक के नीचे ही ये चल रहा है कारोबार, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस पे, क्या कहना है आपका? जी बताना चाहूंगा इसे जी कि शहर के ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां शराब का अवैध कारोबार ना होता हो, मगर समस्या ये पड़े है कि थाना चुटी कोतवाली के महज दूरी मात्र 300 मीटर दूरी पर ही निर्धारित दर से अतिरिक्त रेट दर पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। जी तो अभी कुछ मामले इस पे कोई कार्रवाई की जा रही है, पुलिस कोई कार्रवाई करेगी इस पे? जी मैम, इसको देखने के लिए अगर कोतवाली के द्वारा अगर कार्रवाई भी की जा रही है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही कार्रवाई की जा रही है, बाकी धड़ल्ले से शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब के कारोबार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद हिरेंद्र, आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। कबीर धाम में राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मंत्री मोहम्मद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई है। बता दें कि समर्थक को मंच पर कुर्सी दिलाने के नाम पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर और केडरा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल आपस में भिड़ गए, जहां दोनों में जमकर तूतूमैमै हुई। वहीं इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही है और प्रेस के सामने हुई दोनों की तकरार को लेकर पार्टी की काफी किरकिरी हुई है, जिसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कांग्रेस भले ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन जिले के कांग्रेस नेताओं के बीच अब तक तकरार दिखाई पड़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हिरेंद्र जुड़ गए हैं। हिरेंद्र, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें जो इस विधायक और सदस्य की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? जी कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के प्रकरण को लेकर भाजपा कार्यालय में मोहम्मद अकबर का प्रेस वार्ता रखा गया था, जहां पंडरी विधायक ममता चंद्राकर और क्रेडर सदस्य कन्हैया अग्रवाल जी जिस दोनों में आपस में भिड़ गए कुर्सी को लेकर। वही एक तरफ कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ों का यात्रा कर रही है कवर्धा जिले में, अगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भले हाथ जोड़ों का यात्रा कर रही है, परंतु जिले के कांग्रेस नेताओं के बीच तकरार देखने को भी पड़ रही है। तो हिरेंद्र, ये इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो इसपे बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जो दोनों नेताओं में जो आपस में जो तूतूमैमै की हुई, जिसको लेकर आम जनताओं के बीच में अब पार्टी को लेकर भी सोच भी पड़ गया, चर्चा का भी सभी बटा हुआ है। जी धन्यवाद हिरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोंडा गांव में नक्सलियों का हमला जारी है। ताजा मामला नक्सलियों के बयानार थाने के चेरंग गांव के मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया है और आग के हवाले कर दिया गया, साथ ही नक्सलियों ने बैनर भी लगाया है। तो वही इस घटना से पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया है, घटना को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस